भारती के संग जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्पोर्ट्स पेवेलियन, इंडोनेशिया में चल रहे एशियन गेम्स में भारत की पुरुष कबड्डी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में ईरान से हार गई है। इसके साथ ही भारतीय टीम का फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है और उसे अब ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। भारतीय टीम को ईरान से 18-27 से मात खानी पड़ी है। भारतीय टीम की यह हार अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 28 साल में ये पहली बार है जब भारतीय पुरुष टीम कबड्डी में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगी। सन 1990 से यानी जब एशियन गेम्स में कबड्डी की शुरुआत हुई तब से भारतीय टीम ही स्वर्ण पदक जीत रही थी। भारतीय टीम में कई सितारे मौजूद थे जैसे अजय ठाकुर, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी और दीपक हुड्डा। इसके बावजूद ईरान की टीम भारतीयों पर बहुत भारी पड़ी है। राही सरनोबत ने शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी हैं। जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में राही ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में ये रिकॉर्ड हासिल किया है। भारत की मनु भाकर छठे स्थान पर रहीं। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में थाईलैंड की यांग पाई बून नाफा स्वान दूसरे स्थान पर रहीं जबकि चीन की यिन यू मई तीसरे स्थान पर रहीं। आपको बता दें कि राही ने इससे पहले 2014 में इंचियोन एशियाड में इसी स्पर्धा में महिला टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता था। वो एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाने में भी सफल रही। राही निशानेबाज विश्व कप में पिस्टल की स्पर्धा में स्वर्ण कप जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने 2013 में दक्षिण कोरिया में हुए ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल में भी गोल्ड मेडल जीता था। राही एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज हैं। 25 मीटर की पिस्टल की एकल स्पर्धा में भी पदक जीतने वाली वो भारत की पहली महिला निशानेबाज हैं। उनके अलावा भारतीय टीम में अनीसा सईद और हिना सिद्धू भी शामिल थीं। राही एशियाई खेलों में निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाली छठी भारतीय हैं। इससे पहले रणधीर सिंह, जसपाल राणा, रंजन सोढ़ी, जीतू रॉय, सौरभ चौधरी जैसे खिलाड़ी ये उपलब्धि अपने नाम कर चुके हैं। राही के बारे में आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 1990 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था और